safe! Come! सर, कल रात तकरीबन 2:30 बजे योर फॉरेस्ट रेंज की सीसीटीवी पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखी। उनके हाथ में हथियार देखकर हम लोग तुरंत अलर्ट हो गए सर, और तुरंत वहां टीम लेकर पहुंच गए। सर, हम लोगों ने बहुत चेस किया, पता नहीं जंगल में कहीं गायब हो गए। जंगल में गायब हो गए क्योंकि जंगल से आए थे, जंगल के एक एक पेड़ एक एक पत्ते से वाकिफ है। ये चड्डी बनियान गैंग वाले लग रहे हैं पाटिल, खतरनाक। चड्डी बनियान गैंग जो बड़ी आसानी से अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बड़ी मुश्किल से आते हैं, हर बार फिसल जाते हैं। यस, यू आर राइट सर, उनमें से एक को मैंने धर लिया था पर फिसल गया, बॉडी पर ऑयल लगाया था। तलवार और चॉपर लेकर घूम रहे थे, हाथों में लूट का सामान था शायद। तुम्हारे इलाके से डकैती की कंप्लेन जरूर आएगी, तुरंत कार्रवाई करो पाटिल। चड्डी बनियान गैंग वाले शहर में आते ही हमले शुरू करते हैं, दूसरे किसी घर में हमला करे इससे पहले धर लो सालों को। डोंट वरी सर, हम उन्हें दोबारा स्ट्राइक करने नहीं देंगे। संभल के, तुम्हें याद होगा 3 साल पहले इस गैंग के साथ एक ऑपरेशन के दौरान एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई की मौत हुई थी, उनके हत्यारे भी चड्डी बनियान गैंग वाले ही थे। एक मुजरिम के लिए जुर्म एक राह होती है किसी मंजिल तक पहुंचने की, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जिनके लिए जुर्म कहीं पहुंचने की नहीं बल्कि जीने की राह होती है। इस गैंग के लिए जुर्म कोई शॉर्टकट नहीं, पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत थी। 1999 में पहली बार इस रहस्यमय और रस्मों से घिरे गिरोह ने महाराष्ट्र के बड़े शहरों को आतंक के अंधेरे में घेर लिया था। ये गिरोह कभी महीनों सालों तक खामोश रहता है और फिर अचानक से वार करता है। अब 2015 में इस गिरोह ने फिर से अपना सर उठाया था, पुलिस ने कमर तो कस ली थी, लेकिन क्या वो इस चिकने चिपचिपे गिरोह को पकड़ पाएगी और इसके बदले में पुलिस को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सर, ये चड्डी बनियान गैंग के कुछ केस रिकॉर्ड्स हैं। कोई चोरी डकैती कंप्लेंट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। शायद जिस घर में चोरी हुई है उसके मालिक शहर से बाहर है। पता नहीं चड्डी बनियान गैंग को कैसे पता चलता होगा कि घर में रहने वाले घर में नहीं है। नहीं सर। सर, मैं चड्डी बनियान गैंग के कुछ खास केसेस के बारे में पढ़ रहा था जो यहाँ रजिस्टर्ड है। पिछले 2 साल से इनकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये लोग कुछ टाइम के लिए शांत बैठते फिर अचानक से अटैक करते, यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। अगर ये लोग चड्डी बनियान गैंग के लोग हैं तो एक काम करो सर, खबरियों को काम पे लगा दो। सर, मैंने मोंटी खबरी को बुलवाया, वो जरूर कुछ ना कुछ निकलवाएगा। पूरे एरिया में पेट्रोलिंग डबल कर दो, जितने भी सस्पेक्ट है हो सकता है इस गैंग की खबरी हो, सबको राउंड अप करो और एक एक को तोड़ो, दूसरा अटैक नहीं होना चाहिए। कड़ी पेट्रोलिंग जारी थी, सस्पेक्ट्स और मुजरिमों के खबरियों की इंटरोगेशन जारी थी, पुलिस कोई चांस नहीं ले रही, लेकिन ये गैंग डंके की चोट पर कानून की नाक के नीचे अपने इरादों को अंजाम देने के लिए मशहूर था। पर आ गए आप? हाँ, पूरे 28 घंटे बाद। लीजिए। यार, ये बीपीओ की जो नौकरी है ना, पक्का तुम्हारी स्वात है। ऐसा
ऐसा मत बोलिए, मैंने कुछ कहा क्या आपसे? एक मिनट, मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं मतलब मेरी दिन रात शिफ्ट चलती रहे और तुमको कोई तकलीफ नहीं होती? मैडम हनीमून से एक महीने पहले ही लौटे, ये जल्दी बोर हो गए हमसे। आपकी नौकरी ऐसी है तो है, और मैं आपसे कोई बोर वोर नहीं हुई। आपके भैया भाभी यही एक फ्लोर ऊपर रहते, सारा दिन अच्छे से कट जाता है मेरा। अच्छा, और रातें? हाथ खोल रहा हूँ, जरा भी चूंकी ना तो गला काट दूंगा। पतिदेव कहाँ हैं तेरे? बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं। छोड़े, मारिए मत प्लीज। काट डालूंगा यहाँ से। तो बैठ उधर, बैठ। देख, हम लोग यहां चोरी करने आए, बस हीरो बनने की कोशिश की ना तो मैं विलन बन जाऊंगा, दोनों की जिंदगी खत्म कर दूंगा। देख। ए, चल देख, देख। कंप्यूटर कहाँ? देखिए उसमें मेरा सारा काम है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। या नीचे। मैडम जी निकालिए सब, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, ये भी निकालो। हे, छूना मत। क्या भैया? अरे पैर छू रहा हूं भाभी जी के। क्या भाभी जी, ये न उतारोगे? या हम उतारे? एक मिनट देरी, चलो अंदर चलो, अंदर ही रहना, बाहर मत आना वरना। ओके, पुलिस पुलिस को फोन किया ना तो वापस आके काट डालेंगे। रिलैक्स, वो लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं बाहर क्या हो रहा है? लगता है वो लोग चले गए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं आप मत जाइए प्लीज, आप मत जाइए। सुषमा यहाँ ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ, रिलैक्स।
क्या हुआ लोकेश? भैया घर में चोर आए थे, सब कुछ लूट के चले गए। ओह गॉड, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी भैया। ड्यूटी के टाइम पे सो रहा है हा? क्या हुआ साहब? सोसाइटी में चोरी हो गई और हमने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दीजिए। कौन? तू घोड़े बेच के सो रहा था या उन चोरों के हाथ खुद को बेच दिया था? नहीं साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बस मेरी आंख लग गई थी साहब। आंख लग गई थी? आंख लग गई थी साहब? मैं इस चोरी में शामिल नहीं हूँ साहब, बस हमारी आंख लग जाती है। मेरे भाई लोकेश और सुषमा ने बताया कि 5 लोग थे सर, और सोसाइटी का वॉचमैन कन्हैया 1 नंबर का इडियट है। मैं 4 साल से सेक्रेटरी हूँ, तब से सोसाइटी कमेटी मीटिंग में बोलता रहा हूँ कि चेंज करो इसे, ये ड्यूटी पर सोता रहता है, लेकिन कोई सुने तब ना। इतने सालों में आपकी सोसाइटी ने एक ढंग की सिक्योरिटी या सीसीटीवी में पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा? क्या करें सर, रेसिडेंट्स के एनुअल जनरल मीटिंग में जब भी सीसीटीवी की बात करते हैं तो रेसिडेंट साफ मना कर देते हैं, और जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो लोग मैनेजिंग कमेटी को ब्लेम करते हैं। सर कुल मिलाकर 9,75,000 की ज्वेलरी, 3,00,000 कैश और 70,000 के 2 मोबाइल गए, और बाकी सारी चीजें और सब कुछ मिलाकर 1,00,000 रुपए। और रात को 3 बजे आपके घर की डोलबेल बजती है, आप लोग बिना चेक किए कैसे खोल सकते हो? नहीं सर, मैंने की होल में से देखा था, बहुत अंधेरा था, और इनके बड़े भाई और भाभी भी यहीं ऊपर रहते हैं, मुझे लगा वही आए होंगे कुछ इमरजेंसी में। वो लोग आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे थे? जी नहीं। देखिए इसमें साफ दिख तो नहीं रहा, फिर भी ध्यान से देखिए, क्या वो ये लोग थे? हाँ सर, शायद। उनके बदन पे तेल लगा था? हाँ सर। देखिए ये चड्डी बनियान गैंग है तो बहुत खतरनाक, पर आप चिंता मत कीजिए, दोबारा यहाँ हमला नहीं करें, पर आपके आसपास के एरिया में हमला जरूर कर सकते हैं। मिस्टर महेश, एक रिक्वेस्ट थी, आपके इस वरुण नगर एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सारे सोसाइटीज के सेक्रेटरी से मीटिंग हो सकती है जल्द से जल्द? ऑफ कोर्स सर। इस गैंग के साथ हमें मिलकर लड़ना है हर मुमकिन कोशिश पर। देखिए हम लोग इनके अगले हमले का इंतजार नहीं कर सकते, हम पुलिस वाले हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आप सभी रेसिडेंट का कोऑपरेशन चाहिए। जी बिल्कुल सर, बस आप ये बताएं कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आप लोग अपने सोसाइटीज में ढंग का सीसीटीवी लगवाएं, और सिर्फ आउटडोर पे नहीं, हर फ्लोर पे लगाएं। उसके बाद आप जिस सिक्योरिटी एजेंसी से वॉचमैन को बुलाते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे साथ रजिस्टर करवाएं। उतना ही, काम वाली बाई आती है या ड्राइवर आते हैं, जो भी आपके सोसाइटीज में आते हैं उन सभी को हमारे साथ रजिस्टर करें और उनका बैकग्राउंड चेक करें। सर सोसाइटी में तो कितने लोग आते जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन, सेल्समैन, किराने वाले के डिलीवरी बॉयज, पूरी दुनिया आती जाती है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन एक छोटी सी बात तो हम कर सकते हैं, दरवाजा खोलने से पहले आई होल से देखें, सेफ्टी चेन लगाने के बाद दरवाजा खोल, और प्राइवेट सीसीटीवीज भी लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो भी अच्छा रहता है। सर ये चड्डी बनियान गैंग वाले कितने खतरनाक है? बहुत बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये खतरनाक तभी हो सकते हैं अगर हम उन्हें होने देंगे तो। अगली बार डाके के टाइम तुम दोनों ने कुछ खाने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? दादा अगला डाका कब डालेंगे? जब बुलावा आएगा। साहब इस गैंग का जानकारी कम है और कहानियां बहुत ज्यादा साहब, असलियत कम अफवाहें ज्यादा साहब, मानो ऐसा लगता है कि कोई मनगढ़ंत लोग हो साहब, ऐसा भूत भूत होता ना वैसा सब। भूत कैमरा में कैद नहीं होते मोंटी, ये लोग असली हैं और मुझे ये चाहिए। सर ये तो स्टोन मैन और मंकी मैन जैसा दिख रहा है साहब। साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना लोकल पंटर लोग ये चड्डी बनियान गैंग का हवा उड़ाने के लिए सब कर रहा है, मतलब चड्डी पहन लिया, बनियान पहन लिया, मुंह पर कालिक लगा दिया और फिर चोरी कर लिया साहब। इसमें कौन सा मास्टरमाइंड की जरूरत है साहब? जो भी है तो चोर, और चोरी भी हुई, 9,00,000 के आसपास के गहने उड़ाए। मैं जौहरियों से शुरुआत करता हूँ साहब, चोरी का मामला है और चोरी का माल गर्म रहता साहब, हाथ में रखना डेंजर रहता साहब। इनके हाथों में तेल लगा और मुंह पे गोंद, हाथ लग भी गए तो मुंह नहीं खोलते, बहुत भाईचारा इन लोगों की बरादरी। सर अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, और ये भी पक्का पता नहीं चला है कि ये चड्डी बनियान गैंग का काम है कि नहीं, मेरा मतलब है कि कोई उनके नाम और भेस का इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे कि कोई लोकल पंटर्स। नहीं ये लोकल पंटर्स नहीं हो सकते, जिस तरह से वो लोग जंगल में भागे थे ये चड्डी बनियान गैंग वाले ही होंगे। एक काम करो, खबरियों को एक्टिवेट कर दो, खासकर येऊर के जंगल के आसपास वाले सभी हिस्ट्री शीटर्स, पुराने केस के ऑफिसर सबसे बात करो, इनके ऊपर जो राज की चादर है उसका पर्दाफाश तो हमें करना ही है राउत। खौफ मुजरिम का सबसे बड़ा हथियार होता है और ढाल भी। पब्लिक के लिए जुर्म से ज्यादा तकलीफ देह होता है होने वाले जुर्म का इंतजार,
और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जुर्म होने के पहले ही उसे रोकना। चड्डी बनियान गैंग 2 सफल चोरियां कर चुका था। पुलिस ने उन तक पहुंचने के लिए उसे एक सुराग के लिए सैकड़ों तरीके अपनाए। सीसीटीवी की तादाद बढ़ाई गई और सर्विलेंस 24 घंटे होने लगी। इलाके की सभी बिल्डिंग्स में रातों को सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पुलिस दिन में भी गश्त लगाने लगी। खबरियों पर प्रेशर डाला गया। कम से कम 150 लोगों की इंटरोगेशन हुई और पूरे शहर की पुलिस के साथ सिर्फ इस केस के लिए एक मोबाइल चैट ग्रुप भी बनाया गया। एक तरह से पुलिस एक संदेशा भेज रही थी इस खतरनाक गिरोह को कि अगर तुमने फिर से वार करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी डकैती होगी और वो भी नाकाम रहेगी। ऐसा लगने लगा कि इस गिरोह को संदेशा पहुंच चुका था। उस दिन के बाद पूरे 3 महीने तक इस गैंग की चोरी का कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन खौफ के अंधेरे में चड्डी बनियान गैंग अपने अगले शिकार के लिए बड़ी चालाकी से घात लगाए बैठा था। हेलो, क्या आप कौन? आपने फोन किया था? यस सर, मैंने फोन किया था। कशिश सिंह। मैं प्रेम राठौड़, सेक्रेटरी। आपने कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सर, सिर्फ अंदर आकर देखा। नमनाथ, इस वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो। आप मेरे साथ चलिए, आप यहीं रुकिए। आप अकेले रहते हैं? यस सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी फैमिली वहीं पे रहती है। मैं यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आई हूँ। मेरा नाइट शूट था और मेरे पीछे ये सब। घर में कैश और ज्वेलरी कितनी थी? अराउंड 1 लाख कैश और 60 से 70 हजार की ज्वेलरी थी सर। कैश और ज्वेलरी के अलावा जो कुछ भी चोरी हुआ है वो इन्हें लिखवा दीजिए। ओके सर। वो लोग मुंह पर कुछ लगाए हुए थे और सिर्फ गंजी पहने थे और नीचे भी कुछ। चड्डी बनियान जी साहब जी, वो लोग 5-6 लोग थे और मुझे बांध कर चले गए और फिर 20 मिनट के बाद लौटे। सन, बोल रहा हूँ, और चिल्लाया ना तो चीर कर रख दूंगा। साहेब, 2 सेकंड में ऐसे गायब हो गए जैसे अंधेरा निकल गया उन्हें। मैं फिर सीधा सेक्रेटरी साहब के फ्लैट पर गया, उन्हें सारा कुछ बता दिया। सर, हमें पता नहीं था कि वो कौन सा फ्लैट में गए हैं, इसलिए हम और सेक्रेटरी साहब खुद जाकर सारे फ्लोर को देखे। तब जाकर देखा कशिश मैडम का फ्लैट का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जब अंदर झांक कर देखा तब मालूम हुआ कि उन्हीं के घर में चोरी हुई है। सर, मेरे पास कशिश का नंबर था तो मैंने उसे फोन लगाया, वो तुरंत इधर आ गई और उसके बाद उसने आपको फोन किया। ये दोनों फ्लैट्स खाली हैं क्या? नो सर, ठाकुर जी और शुक्ला जी रहते हैं ना यहाँ पे। फिर ये बाहर से कुंडी क्यों लगी हुई है? ओह माय गॉड, एक मिनट।
क्या हुआ प्रेम जी? कशिश के घर में चोरी हुई है। क्या? हमने तो कुछ भी सुना नहीं। आप इन्हें सारी डिटेल्स बाद में बताइएगा, फिलहाल मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए बाहर के गेट का और इस फ्लोर का तुरंत। ये वॉचमैन जिग्नेश को बांध दिया और ये यहां से बाहर निकले, ये दरवाजे का ताला तोड़ दिया और फिर 20 मिनट बाद बाहर आते। ये तीनों भाग गए और दो वॉचमैन के केबिन की तरफ गए। फिर वॉचमैन निकलता है और सेक्रेटरी को बताने जाता है, पाटिल साहब चड्डी बनियान गैंग है, कोई शक नहीं। थैंक यू पिंगले, आपने तुरंत मुझे फुटेज दिखाया। चेहरे तो नहीं दिख रहे इसमें, पर है यही पांचों लोग, हाइट बॉडी हथियार सब कुछ सही। चड्डी बनियान गैंग को लेकर जो मोबाइल ग्रुप है उसमें मैं भी हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। हम लोगों ने हमारे एरिया में चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी तो उन्होंने आपके एरिया में हाथ मार दिया। वैसे ये लड़की अकेली रहती थी? हाँ, मॉडल है, FIR लिया है, अभी पता करना है अंदर के किसी का हाथ तो नहीं, भाई वाई या कोई। एक बात पता चली इनके बारे में, ये लोग किसी लोकल की मदद नहीं लेते, जो करते हैं खुद करते हैं। सवाल ये है इन्होंने यही घर कैसे चुना जहाँ एक अकेली लड़की रहती थी और उस दिन लूटा जिस दिन वो घर पर नहीं थी। अंधेरे में रोशनी एक सवाल बनकर आई कि आखिरकार ये चड्डी बनियान गैंग अपना शिकार किस आधार पर चुनते हैं? अगर इनका कोई लोकल खबरी नेटवर्क नहीं है तो क्या ये खुद ही अपने खबरी हैं? अगर इनकी ये मोडस ऑपरेंडी क्रैक की जाती तो क्या तेल से चिपचिपे ये चोर सलाखों के पीछे होते जहां से वो फिसल ना पाते? एक और घर लूटा गया था और पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स होने के बावजूद भी हाथ में कुछ भी नहीं था। एक तरफ पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इस गिरोह को पकड़ने की और दूसरी तरफ ये गिरोह अपने अगले शिकार पर निकल चुका था। अरे बस बस दिख रहा पगे नहीं लाखो, अपना ख्याल रखना। अरे बस 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 बेटा। मम्मी पापा मैं फिर से कह रही हूँ आप लोगों को प्लीज रुक जाइए। और पापा इंसिडेंट की टेंशन क्यों कर रहे हैं, केतल ले आएंगे ना। हाँ पापा केतल सही कह रही हैं, आप लोग रुक जाइए ना। देखिए वैसे ही 12 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 1 बज जाएंगे। काहे का 1 बेटा, आधे घंटे में टच हो जाएंगे, रोड भी खाली मिलेगा, रामबाग से सीधा सीधा निकल जाएंगे। हम लोग दोबारा आएंगे ना वापस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता ना नीचे छोड़ के आता हूँ आप लोग। हाँ चलो चलो ख्याल रखना। थाने चलोगे? सोनवाड़ी। ओ बस चलो आओ जो आओ जो आओ जी बेटा। भैया रामबाग से ले लेना, इधर से लंबा गिरेगा अंकल, इधर हाईवे से लेता है ना मैं। कोई लंबा नहीं गिरेगा, हमको रामबाग से ही जाना है। अरे अंकल उधर का रास्ता खराब है। कुछ खराब नहीं है, जैसा बोला वैसा ले लो। राहुल साहब एक खबर है साहब, अभी अभी मैं ये और जंगल से गुजर रहा था साहब, फिर मैंने देखा उन लोगों को रात नशीले मस्त। अरे मोंटी क्या गाना गा रहा है, कब तक हम यूं जंगल में मंगल मनाते रहेंगे? शादी वादी के बारे में सोचना, अरे तेरी लाइफ बना दूंगी पागल, कल सुबह करते ना। वो नहीं पता आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन पक्के वो चड्डी बनियान गैंग वाले थे। हाँ साहब, नहीं उनके मुंह पर काली पुत रखा था और सब पत्थर भी फेंक रहे थे। अरे क्या हुआ भाई? मालूम नहीं अंकल, देखना पड़ेगा। सांभलो तुम्हें केतन ने फोन करो। इतना आके रिक्शा ठीक करेगा क्या? शुरुआत करें। कांस्टेबल्स को बोलो राइफल लेकर साथ में निकले, अगर उनकी तरफ से एक भी फायरिंग होती है शूट दे। राउत
बाकी पुलिस टीम को भी बोल देना येऊर की तरफ आने जाने वाला हर रास्ता इनसाइड रोड पे भी पेट्रोलिंग करे। ओके सर। लो अंकल पहुंच गए सोहन गाड़ी, अभी किधर लेने का है? सीधा चलते रहो, आगे से राइट है पंकज कॉलोनी। बहु मोरू थैंक यू, 1:30 बज रहा है। मुझे क्या बोल रही हो, इसकी रिक्शा बंद पड़ गई ना? अरे अंकल जानबूझ के थोड़ी यहाँ रिक्शा बंद किया है, होता है कभी कभी, वैसे भी आपको दूसरा रिक्शा नहीं मिला ना। क्या चाहिए? सब मालिक समझा, एक खड़ी मोबाइल पास कुछ नहीं है मेरे पास। निकल जा जल्दी, निकल निकाल निकाल समझा, कुछ नहीं है मेरे पास, निकाल कुछ नहीं, चल चल। सब 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 उस तरफ चोर है साहब, साहब उनके हाथ में चाकू बंदूक है और चड्डी बनियान वाले हैं साहब, साहब जल्दी चलिए। बचाओ, कोई है, कोई है सब देखे क्या किया सब, हम 5 लोग थे जंगल की तरफ भाग गए। वर्कर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ इन्हें। राउत ये लोग सोनवाड़ी एरिया में, जल्दी आ जाओ, जंगल की तरफ भागे ये लोग। एक वृद्ध जोड़े को लूट कर उन्हें घायल कर चड्डी बनियान गैंग फिर एक बार फरार हो गया था, फिर एक बार पुलिस के हाथों से बच निकला था, पर इस बार पुलिस ने ठान लिया था कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। घायल जोड़े को हॉस्पिटल भेजा गया और फिर कॉन्क्रीट जंगल के इन सिपाहियों ने घने जंगल में छिपे दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारने का इरादा बना लिया। उस रात जंगल में कभी जिंदगी फिसली तो कभी मौत। कट्टों की गोलियां खत्म हो गई है, जब तक कोई भागने की कोशिश नहीं करता कोई फायर नहीं करेगा। सर इशारों में बातें हो रही है, सब अलग अलग है, भागने का प्लान बन चुका है। राउत वारकर और शेख सीधा फायर कर देना, मैं और सोलंकी राइट से कवर करते हैं, शिंदे प्रकाश और परब लेफ्ट से कवर करना, मूव। शेख राउत
पत्थर? सब पत्थर फेंक के मार रहा है। शिंदे, प्रकाश और परब दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं सर, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिद मत करो, खून बहुत बह रहा है। मेरे साथ वारकर और सोलंकी रहेंगे। कुलकर्णी को बोला और फोर्स लेके जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। लेकर जाओ जल्दी परब, शेखर था जल्दी। लगता है पांचों भाग गए सर। पांचों भाग गए तो पत्थर किसने मारा, वो भी इस तरफ से? भागते भागते कोई पीछे की तरफ से पत्थर नहीं मार सकता। तुम्हारे पास गोलियां कितनी बची? दो सर। सर मेरे पास सिर्फ एक। मेरे पास एक भी नहीं। बंदूक में गोलियां नहीं थी, लेकिन दिल में साहस पूरी तरह से लोडेड था। एक ऑफिसर और एक कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन बाकी पुलिस वालों का हौसला बुलंद था। हेडक्वार्टर से एडिशनल मदद आई, और मदद की कुदरत ने भी। जब सूरज की पहली किरणों ने इस रहस्य में चड्डी बनियान गैंग का पर्दाफाश किया। इनके थोबड़े धोते हैं, फिर इन्हें धोते हैं तबीयत से। नाम? दिलीप सूर्य। नाम? अनिल सूर्य। तेरा नाम क्या है? एकनाथ भोईर। बाकी के दो लोग कौन थे? दिलीप, अनिल और एकनाथ। अभी अगर मैं तुम तीनों को जंगल वापस लेकर जाता हूं और तुम्हारे तीनों के भेजे में एक एक गोली ठोक देता हूं तो क्या होगा पता है? मुझे मेडल मिलेगा। अब तुम लोग तय करो, मुंह खोलना है या गोली खानी है। वर्कर, तो सर जंगल जाने के लिए गाड़ी तैयार करो और साथ में हथियार भी लेना। औरंगाबाद, औरंगाबाद सर। साली तू मेरा सगा भाई है क्या? मां से पूछना पड़ेगा। ये भाई भाई का प्यार जताने के लिए जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम दोनों को। औरंगाबाद में कहाँ रहते और नाम क्या है उनके, बता। वक्सोली गांव औरंगाबाद, नाम है रतन शिंदे और राजाराम शिंदे। वर्कर, अनिल को लेकर जाना और एड्रेस लिखवा लेना। फोटो वोटो हुलिया वलिया जो भी निकलता है वो निकलवाओ, और सबसे पहले औरंगाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो। चलते दिलीप और एकनाथ, तुम लोगों की कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारा काम ही बहुत कुछ बोलता है। पर एक बात मुझे जाननी है, जिस घर में चोरी करते हो उस घर की खबर तुम लोगों को देता कौन है? दो दिन तक कड़ी पूछताछ के बाद इस चड्डी बनियान गैंग का सरदार दिलीप सुरवे और उसका साथी एकनाथ दोनों बोले। उसी दौरान पुलिस ने औरंगाबाद से इस गिरोह के बाकी दो सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। पहला घर बंगला था साहब, घर वाले ताला मार के निकल गए थे। वो बंगला मक्खन था सर, इतना सामान ले गए, पक्का था लंबी छुट्टी पर गए हैं। आपके पास शिकायत करने आता कौन? काफी माल मिला था उस घर से। वो दूसरा घर परेश कॉलोनी वाला राजपूत का, वो क्यों चुना? हमने नहीं चुना सर, उन्होंने खुद ने चुना हमको अपने लिए। मतलब? मैडम जी फिनाइल वापरते हैं घर में? जी हाँ। ये देखिए, इससे फर्श बिल्कुल साफ लगेगा। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैम नया आया है बाजार में, दाम भी कम है बिल्कुल, देखिए। नहीं चाहिए, आप जाइए। ठीक है मैडम। मैम पानी मिलेगा पीने के लिए थोड़ा? जी। हमने पहले ही देखा था कि उस बिल्डिंग का वॉचमैन सिर्फ रात को नहीं दिन को भी सोता है। मैं हर घर में सेल्समैन बन करके जाता था। अगले दिन अनिल गया। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैडम, आपके घर में कंप्यूटर है? जी हाँ। तब तो आप ये पेन ड्राइव यूज करते होंगे? जी नहीं, मैं कंप्यूटर यूज नहीं करती, मेरे हस्बैंड यूज करते हैं। मैम ये 16 GB का है, 400 में, और आज ऑफर है इस पे। जी मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, वो लेट आते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेटर ले लीजिए।
घर में बच्चे होंगे ना, उनके पढ़ाई में स्कूल में काम आएगा। वो मैडम ने बातों बातों में मुझे बता दिया था कि घर पर पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता, और हमने उस रात हमला कर दिया। उसके बाद 3 महीने कहाँ गायब थे? औरंगाबाद। शहरों में सिर्फ हम अपने काम के लिए आते हैं, यहाँ की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी अपने को रास नहीं आती साहब। वो मॉडल कशिश, उसको कैसे निशाना बनाए? कान साफ कराएंगे भाई साहब। अबे दिखता नहीं है ड्यूटी पर हूँ। अरे आप अपनी ड्यूटी करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। कोई नहीं आसपास देखने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलिदा राजा, साइड में बैठ जा। कई दिनों से मैं उस मैडम पर नजर रखे हुए था। सुबह शाम 2 बार दौड़ लगाती, सुना था टीवी वीवी में भी आती है। सोचा वॉचमैन से थोड़ी जानकारी निकाल लूं, तब खुद उस मैडम ने ही जानकारी दे दी। वॉचमैन, मेरे फ्लैट का टैप लीक हो रहा है, किसी प्लम्बर को अभी भेज दो। प्लम्बर तो 10 बजे के बाद आएगा मैडम जी। लेकिन मेरी तो शूटिंग है 9:30 के बाद। कोई तो होगा ना घर पे मैडम जी? ना ना, मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे प्लम्बर अभी ही चाहिए। बोलना, मैं 100 रुपया ज्यादा दे दूंगी। मैं फोन करता हूँ प्लम्बर को। हाँ। वैसे आपका फ्लैट नंबर कितना है मैडम जी? 6B403 चौथा माला। जल्दी भेज। हाँ भेजता हूँ। घरों पर डाके डालने से हटकर उस बुड्ढे कपल को लूटने का क्यों सोची? वो सोच के नहीं किया था सर। तो उस बिल्डिंग में हमने 2 फ्लैट देखे थे, पर उस बिल्डिंग में हम लोग घुस नहीं पाए। आप लोगों ने इतनी फील्डिंग जो जमा करके रखी थी। साला मच्छरों की तरह भन्ना रहे पुलिस वाले, लगता है वापस लौटना पड़ेगा। खाली हो जाएंगे क्या? अगर ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो पकड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, सड़क पर चलते। क्या पता कोई मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने तेरी अर्जी सुन ली। देख क्या हलवा तोहफा भेजा है हमारे लिए। वो लोग बूढ़े थे, बेबस थे, और तुम लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और लाख कोशिश के बाद भी जब उंगली सीधी नहीं होती तो क्या करते हैं पता है? उस उंगली को काट देते हैं। और तुम लोग इस समाज की वो टेढ़ी उंगली हो। तुम्हारी फितरत ही कुत्ते की दुम की तरह है, हमेशा टेढ़ी। तकदीर भी तो हो सकती है टेढ़ी। हम जहां से आए हैं, जो हमारी कहानी है, वो आपकी थोड़ी है। बोलना आसान है साहब, टेढ़ा मेढ़ा सीधा, लेकिन जीना एक अलग चीज है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने को जीना नहीं कहते दिलीप। तुम्हारी जैसी कहानी और लाखों लोगों की भी है, पर वो लोग अपनी कहानी को ढाल बनाकर जुर्म का सहारा नहीं लेते। तकदीर के साथ साथ एक और चीज होती है, मेहनत और नीयत, जो उन लाखों लोगों में है पर तुम लोगों में नहीं है। शुक्र करो कि कानून है यहां पर, जो तुम्हें सजा तो देता है पर सुधरने का एक मौका भी देता है। पर हमें मालूम है, अपनी मजबूरी और हालात का बहाना बनाकर तुम लोग फिर चोरी करोगे, हम लोग फिर पकड़ेंगे, तुम फिर चोरी करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम पकड़ेंगे नहीं, सीधा ठोक देंगे। राउत, तगड़ा केस बनाओ इन सबके खिलाफ और पेश करो अदालत में। पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 326, घातक हथियार से या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 307, हत्या करने के प्रयास के लिए, धारा 394, लूट के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 397, लूट या डकैती के इरादे से हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 459, किसी के घर में सेंध लगाने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, और धारा 34, एक ही मंशा से जुर्म करने के तहत बुक किया गया है। चुराए गए कुछ गहने और कैश पुलिस ने बरामद कर लिए थे, बाकी गहनों की खोज अभी जारी है। खौफनाक चड्डी बनियान गैंग को पकड़ने में अपनी जान की परवाह ना करते हुए महाराष्ट्र पुलिस के दिलेर ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स ने अपनी ड्यूटी के प्रति अपनी निष्ठा का बेहतरीन प्रमाण दिया। क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश, देश के कई राज्यों में इस चड्डी बनियान गैंग के कई प्रकार हैं। इन डकैतों के बारे में कई अफवाहें हैं, कई काल्पनिक कहानियां हैं जो इन्हें राज में लिपटे एक गुप्त पंथ का दर्जा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अन्य किसी भी क्रिमिनल की तरह इस गुट में भी वही लोग शामिल हैं जो मेहनत और ईमानदारी से नहीं बल्कि जुर्म के शॉर्टकट द्वारा अपना पेट और अपना व्यसन पालना चाहते हैं।
इनका रौद्र रूप और विचित्र रिवायतें सिर्फ एक छलावा है आतंक का माहौल तैयार करने के लिए। जुर्म एक भेड़िया है जो अलग अलग रूप धारण करके हम तक पहुंचने के प्रयास में रहता है, लेकिन हमें मेमना नहीं बनना है, शेर की तरह डटकर उसका मुकाबला करना है। और इस लड़ाई में आप और हम पुलिस की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, चौकन्ने रहकर, सतर्क रहकर। सीसीटीवी कैमरास, डबल डोर्स, क्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही किसी अजनबी के साथ जरूरत से ज्यादा अपनी पर्सनल डिटेल डिस्कस करना भी अक्सर नुकसानदायक हो सकता है, जैसा कि इस केस में देखा गया। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।